हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आर चौधरी व्लॉग्स। तो गाइस कैसे हो मेरे प्यारे बहन भाइयों। तो गाड़ी हमने कर लिया स्टार्ट, ये खड़ी अपनी गाड़ी, वो खड़ी मामा की, और यहाँ से अब हम चलते हैं एक दो जगह वहाँ घूमते हैं, फिर निकल जाएंगे कारगिल की तरफ। और ये देखिए वो सामने मैंने आपको रूम से दिखाई थी, डल लेक उस साइड है और हम पार्किंग में खड़े हैं, चलते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स निकल गए हम अपनी गाड़ी को लेकर, और पीछे पीछे एक और गाड़ी आ रही है हमारे, और अभी चलते हैं देखते हैं कहाँ जाएंगे। गाइस मुगल गार्डन पहुंच गए हैं, लेकिन बंद है यार, टाइमिंग हमें पता नहीं है क्या है, टाइमिंग लिखी हुई नहीं है यार यहाँ पे। देखते हैं अभी, किसे पूछते, कोई है भी नहीं यहाँ पर, और अपना देखते हैं कैसे है। चलो तो गाइस मुगल गार्डन तो बंद था, 9:30 की उसकी टाइमिंग है, अभी तो 8:05 हुआ है, और अभी हम सोनमार्ग की तरफ जा रहे हैं, और अगर कहीं भी रास्ते में रुकेंगे तो हम आपको बता देंगे। तो गाइस ये देखिए हैशटैग डल लेक, बहुत काफी जगह लिखा हुआ है सेव द डल लेक। देखिए गाइस कैसे रिफ्लेक्शन पड़ रही है पहाड़ों की, मस्त। ये वाइट वाइट आपको पानी में दिख रहा है ना, ये वो वाले पहाड़ है। देखो क्या सुंदर कलर आ रहा है यहाँ से लेक का। तो गाइस हम जा रहे हैं हैशटैग डल लेक पे, ये देखिए व्यू डल लेक का। तो गाइस हैशटैग डल लेक से हम निकल गए हैं, और पापा खड़े हैं वहाँ पे, और इतने हम पापा को भेज देते हैं क्योंकि यार पापा की भी खिंचनी बनती है ना, ये इतनी मेहनत कर रहे हैं वो हमारे लिए, और पापा की ना फोटो खींची, अब वो गाड़ी के पास खड़े हैं और हम सारे यहाँ पे आ गए, तो पापा की भी फोटो खिंचवाएंगे हम ज़रूर। तो गाइस प्लान में कुछ चेंजिंग है, प्लान में चेंजिंग ये है, 8:30 तो हमें यहीं बच गए हैशटैग डल लेक पर, जहाँ हम फोटो वोटो वीडियो क्लिक करवा रहे हैं, और फैमिली गई हुई है सामने, हम गाड़ी के पास खड़े हुए हैं, पापा को हमने भेज दिया है। और प्लान में चेंजिंग ये है कि हम मुगल गार्डन जा रहे हैं, और सोच रहे हैं कि इतना नाश्ता कर लेते हैं, 8:30 तो बज ही गए, 9:30 तक एक घंटे की बात और है, उसके बाद खुली जाना है, तो फिर अपना देख के ही चलेंगे, बार बार देखो आया ही नहीं जाता, और एक घंटा सही। फिर मुगल गार्डन पहुंच गए हैं, शालीमार गार्डन भी कहते हैं इसको, और अडल्ट का 24 रुपये है और चिल्ड्रन का 12 रुपये टिकट है, यहाँ से आउट वहाँ से इन। मुगल गार्डन में एंट्री हो गई है, और ये देखिए गार्डन, वाओ ब्यूटीफुल, ओके, और ये देखो सुंदरता, ब्यूटीफुल। Do not pollute water streams. Wow. फूल ये रोज के हैं, हर तरह के फूल होंगे यहाँ, हर तरह का रोज होगा, वाओ ब्यूटीफुल। मुंशियारी में भी एक ऐसे ही था ना, गार्डन में आ गए गाइस, सब हम यहाँ घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, आपको भी एक्सप्लोर करवाएंगे हम अच्छे से, एक एक चीज़ हम आपको एक्सप्लोर करवाएंगे, और एक भी चीज़ हम नहीं छोड़ेंगे आपको जो हम ना दिखाएं। ये देखिए कटिंग, मतलब कैसे करके कितनी सुंदर लग रही है ना हर पेड़ की, इस पर देखो दिल बना रखा है, वाओ ब्यूटीफुल।
तो गाइस ये मुगल गार्डन काफ़ी बड़ा है, बहुत आगे तक है। देखो हमें वहाँ जाना है, पापा जा रहे हैं और बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं यहाँ पर। क्या बहुत बड़ा गार्डन है ये देखिए। बट हमें सबके नाम तो नहीं पता कौन कौन से फ्लावर हैं, बट हम तो आपको दिखा रहे हैं, खुद भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और आपको भी करवा रहे हैं। ये देखो ये गेट बने हुए हैं एक उस साइड और एक इस साइड, बट यहाँ पे लिखा हुआ कुछ नहीं है कि क्या है अंदर। आई थिंक गार्डन ही होगा और चलते हैं देखते हैं। तो गाइस ये देखिए, मैं जूम करके दिखाता हूँ, इस पेड़ पे बड़े बड़े फूल आ रहे हैं और ये दूर मतलब ऐसे देखने में लग रहा है कि जैसे नकली है, बट बहुत सुंदर लग रहा है सच्ची। फ़ोन इतना एक्सप्लोर नहीं करवा रहा जितनी मैं आँखों से देख पा रहा हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है। यही है मुगल गार्डन, चारों तरफ गार्डन ही गार्डन है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी, ये देखिए आप। और ये देखिए ये पत्ते ऐसे लग रहे हैं देखने में कि जैसे नकली हो, इतने मतलब साफ सुथरे हैं, ऐसा जैसे नकली एकदम, पर असली हैं ये। और मस्त गार्डन एकदम, मुगल गार्डन इज ब्यूटीफुल गार्डन। ये सब वापस की तरफ जा रहे हैं, हमने आपको ऐसा ही पेड़ वहाँ दिखाया था तो वहीं उसके पास लेकर चलते हैं हम आपको। तो गाइस ये है वो पेड़, इस पे लग रहे हैं बड़े बड़े फ्लावर, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं यार। बट तो गाइस मुगल गार्डन को छोड़ने का समय आ गया है और अब हम चलते हैं और हम अब बाहर जाएंगे, नाश्ता करेंगे, फिर निकलेंगे सोनमार्ग और कारगिल की तरफ। बाय, ठीक है, 2 लाख हैं, हो गए पूरे 2 लाख। बाय, कार भी होगी, कार भी है, कैसी, आ जा। अच्छा लग रहा है फोन, कहाँ से है? पंजाब। पंजाब से? ये वाला फोन जो होता है, ये वाला कह रहा है कि अपना फोन दिखाओ बाबा, आप फोल्ड वाला दिखाते हैं। फोल्ड वाला भी हमारे पास, ये रहा, ये रहा, खोल के दिखाओ इसे, रिया खोल के, महंगा मिलता है ना। हाँ महंगा मिलता है, ये ऐसे खुल जाता है, ऐसे खुल जाता है, आधा का टूटा है नीचे, नहीं टूटा नहीं है, टूटा नहीं है। कर दे तेरी फोटो क्लिक, कर दे पोज। कैसा लग रहा है फोन? अच्छा लग रहा है, 14 देख रहा था ना, हाँ। ये 14 है गाइस, ये पंजाब, पंजाब से बेटा, हां पंजाब, खन्ना, विशाल खन्ना, विशाल खन्ना, विशाल खन्ना, मम्मी पापा तो होंगे ना, पापा नहीं है, मम्मी है, पापा पंजाब में। भैया हम गाजियाबाद से हैं, यूपी। आईफोन अच्छा लग रहा है? नहीं अमीर नहीं है बाबू, 1.5 लाख का लिया है, 1.5 लाख, हाँ 1.5 लाख का है, सब पता है, सारी फोन की सब चीज है, कब से बातें कर रहा है। एक दिन तू भी लेगा इस फोन का जरूर, और क्या, मेहनत करूंगा तब, बिल्कुल पढ़ाई भी करूंगा। पढ़ाई कर रहा है? पढ़ाई करता हूं। कौन सी क्लास में? फिफ्थ क्लास में। अच्छा सोच लेंगे, हमारा भी सोच, मम्मी कह भी रही थी, चल चला ले फोन थोड़ी देर, तोड़ ले लेंगे ब्लैक वाइट कर रहा। तो गाइस ये छोटा बच्चा आपने देखा तो ये मिला, कह रहा है कि यहाँ पे बेचारा सॉक्स वगैरह बेचता है, जो भी कोई टूरिस्ट आता है उसको, हमने भी ले ली, हमने एक्स्ट्रा दी थोड़े से, यार बेचारा बच्चा है, पढ़ाई कर रहा है, पापा नहीं है, मम्मी है और पंजाब से है, देखो छोटा बच्चा है इतनी मेहनत करके पैसे मतलब कमा रहा है, तो यार थोड़ा ना रोना सा आ जाता है ये सब चीज़ें देख कर ना। तो कह रहा मुझे आपके साथ फ़ोटो खिंचवानी, सबके साथ फ़ोटो खिंचवाई और मेरे पास 14 प्रो मैक्स है, तो रिया विराज बैठे थे तो उन्होंने बोला, उनसे बोला होगा उन्होंने, इसने बच्चे ने कि मुझे 14 देखना है, तो फिर 14 देख के खुश हुआ, फिर हमने पापा का भी फ़ोन दिखाया, फोल्ड है पापा के पास, उसे भी देख के बहुत खुश हुआ बेचारा, कह रहा मैं भी एक दिन ऐसा ही फ़ोन लूँगा। मैं कहा बेटा ज़रूर लेगा, बिल्कुल ज़रूर लेगा, बस मेहनत करके पढ़ ले, ज़रूर लेगा। इस बहुत सारी फ़ोटो और बहुत सारी वीडियो हमने बना ली है मुगल गार्डन में और अब हम चल रहे हैं बाहर की तरफ। बहुत सुंदर गार्डन था, बहुत ब्यूटीफुल, ये फुहारे चल गए अब,
फाउंटेन्स। और ये हमारी मम्मी जा रही है, हमारा छोटा भाई, और ये देखिए चलते हैं अब बाहर की तरफ। एक आधी फोटो, मतलब फोटो तो आज बहुत सारी हो गई। तो गाइस इस गाड़ी में आ गए हैं, पापा चला रहे हैं XUV700O और हम चला रहे हैं क्रेटा, और अब यहाँ से निकल रहे हैं कारगिल वॉर मेमोरियल की तरफ, ले की साइड निकल रहे हैं और देखते हैं कहाँ तक जाते हैं आज। तो गाइस ये जो आप देख रहे हैं ये डल लेक है और हम इसके बराबर बराबर जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था अभी हम जा कहाँ रहे हैं, कारगिल वॉर मेमोरियल रुकेंगे और फिर ले की साइड जाएंगे। आज देखते हैं कहाँ तक पहुँच जाएंगे और फिर उसके बाद चलते हैं। तो गाइस भैया की छतरी देखो सिर पे लगा रखी है, ये देखो यहाँ पे एंट्री हो रही है, पर्ची कट रही है, चल दी। ओके थैंक यू भैया। ओके भैया की छतरी बहुत मस्त लग रही है, सिर पर लगा रखी टाट पे। यहाँ से जी एंट्री करवा ली, आई थिंक 40-50 रुपए की पर्ची है। तो गाइस चल रहे हैं धीरे धीरे, और हमारे भाई की और हमारी पार्टी चल रही है मैड एंगल की, ये रखा खाते हुए चल रहे हैं अपना आराम आराम से। दूसरी गाड़ी वो जा रही है। वहाँ सामने गाने बज रहे हैं पर कॉपीराइट का थोड़ा डर है, और ये पंजाबी ढाबे पे रुके हैं, पंजाबी थाली खा रहे हैं, और एक ये सब्जी मंगाई है ये तो वो पोस्टर छपा हुआ है, पंजाबी थाली खाते हैं, मिक्स वेज दाल मखनी और पनीर रोटी और राइस। चलो खाते फिर निकलते हैं। राइस इस ढाबे पे रुके थे फ्रेंड्स, पंजाबी ढाबा, और वो बैठा विराज खाना खा रहा है अभी, और अभी हमने पेट पूजा कर ली और अब हम निकल जाएंगे यहाँ से। तो गाइस यहाँ से ले रह गया 400 कारगिल 174 और बालटाल सोनमार्ग 55। श्रीनगर तो जाना ही नहीं है, श्रीनगर से तो हम आए हैं। चलो चलते हैं, पहले कारगिल 174 है, यहाँ से व्यूज़ के साथ मज़े लेते हुए लुत्फ़ उठाते हुए हम सारे भाई बहन जा रहे हैं लद्दाख कारगिल की साइड, और एक नंबर व्यू, एक नंबर गाड़ी, एक नंबर हम, और एक नंबर ये भाई जो हमारे बराबर में बैठा है, हमारा छोटा भाई।